आज हम रोम्बर की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 22 इंच, अक्रॉस बैक 8 इंच, चेस्ट 18 इंच, हिप 18 इंच। सबसे पहले हम फुल लेंथ जो है लेंथ निकालने का फॉर्मेट देखेंगे। फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस। अगर हमें कहीं टर्निंग देनी होती तो उसमें टर्निंग भी ऐड कर देते हैं। इसमें कहीं भी टर्निंग नहीं देनी है, इसमें सिर्फ सीम अलाउंस ही लेके चलना है हमें। तो हमारी फुल लेंथ है 22 इंच प्लस सीम अलाउंस, हम इसमें 2 इंच करेंगे, हमारी हो गई 24 इंच। टोटल लेंथ जो हम लेंगे लेंगे। उसके बाद अक्रॉस बैक का हाफ 8 इंच है, हमारा हो जाएगा 4 इंच। जो हमने लेंथ ले रखी है इसी लेंथ पर 4 इंच हमें इधर एक निशान लगा देना है, जबकि हम इसकी फ्रंट और बैक की दोनों की ड्राफ्टिंग शो कर रहे हैं। तो इधर 4 इंच पे इधर और 4 इंच पे इधर हमें तीरे का साथ साथ निशान लगाना है। सबसे पहले हमने लेंथ ली, फिर तीरे का निशान लगाया 4 इंच, 4 इंच इधर लगाया। फिर आर्म होल लेंगे, आर्म होल के लिए अक्रॉस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच 4.5 इंच। आर्म होल हम लेंगे 4.5 इंच, 4.5 इंच ही हम बैक का आर्म होल इधर लेंगे। उसके बाद चेस्ट हमारी 18 इंच है, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच। 18 को 4 से भाग करोगे तो हमारा 4.5 प्लस 1 टोटल हो गया 5.5। आप इसको 5.5 लिख सकते हो या फिर इस तरीके से 5.5 इस तरीके से आप लिख सकते हो। चेस्ट का 4 प्लस 1 इंच 5.5, यहां से हमने 5.5 लेंथ से 5.5 का इधर निशान लगाया चेस्ट का। सबसे पहले हमने लेंथ ले ली है 24 इंच, तीरा 4 इंच, आर्म होल 4.5 इंच। फिर हम चेस्ट निकालेंगे, चेस्ट हमारी आई 5.5 इंच, यहां से 5.5 हमने निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ वेस्ट का कोई नाप नहीं है तो वेस्ट के लिए हमें क्या आना है, जितनी हमें चेस्ट मिली है, चेस्ट हमारी 5.5 इंच, चेस्ट में आधा इंच माइनस कर देना है, हमारी वेस्ट मिल जाएगी हमें। तो वेस्ट निकालने के लिए है 1/2 इंच माइनस करना है। तो हमारी चेस्ट जो हमें मिली वो हमें मिली हुई है 5.5 माइनस 1/2 इंच किया तो हमें 5 इंच मिली। कमर के लिए हम यहाँ निशान लगाएंगे 5 इंच पे और इसको इससे इस प्रकार मिला देंगे। फिर हिप पे आओ, हिप मिला हुआ है हमें 18 इंच, हिप डिवाइड 3 प्लस
करेंगे तो हमारा आएगा चेंज। चेंज में 2 इंच जमा किया 8 इंच, ये हमारी हिप लाइन है, ये कमर लाइन है। हिप लाइन के लिए हमें यहां नीचे आना है और 8 इंच पे निशान लगाना है। 8 इंच पे निशान लगा के इसको इससे इस तरीके से मिला देना है। लेंथ से 8 इंच आगे आना है, 8 इंच आगे आके इसको इससे मिला देना है। अब ये जो हमारी लेंथ है, इस लेंथ को, ये लेंथ है, इस लेंथ को इधर की तरफ, फ्रंट की तरफ और बैक की तरफ, फ्रंट की तरफ जब लेके जाएंगे तो हम फॉर्मेट यूज करेंगे हिप डिवाइड बाय 12। हमारा हिप है 18, जब डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा आएगा 1.5 इंच। इस लाइन से 1.5 इंच इधर निशान लगाना है, 1.5 इंच इधर लगाना है निशान। ये निशान लगा के इन दोनों को मिला देना है इस तरीके से। वन पॉइंट फाइव पे ये निशान लगाना है और इसको इसके साथ मिला देना है इस प्रकार। सेम इधर भी ड्रॉ करना है हमने, कमर के लिए वही आधा इंच, ये हमारी कमर का निशान है जो आधा इंच अंदर गए। हिप के लिए, हिप का थर्ड, हिप को डिवाइड किया 3 से प्लस उसमें 2 कर देना है, आपका हिप का जो एरिया है निकल जाएगा, उसको इससे मिला देंगे। ये जो 1.5 इंच हम इधर अंदर की तरफ आए हैं इसको इसके साथ हिप लाइन के साथ मिलाएंगे ऐसे। सबसे पहले लेंथ लेनी है, फिर तीरा, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, हिप और नीचे से ये बॉटम के लिए है। बॉटम के लिए निकालने का जो मार्जिन निकालने का तरीका है, हिप का 12, हिप को 12 से डिवाइड करना है। हमारा 1.5 इंच है, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाया है। ये हमारा फ्रंट शो हो गया, ये हमारा बैक शो हो गया। अब इसमें हम नेक की चौड़ाई और लंबाई निकालेंगे। नेक की जो चौड़ाई निकालनी है वो होगी हमारी, नेक की चौड़ाई है जो 12 से डिवाइड करना है। चेस्ट हमारी 18 है, 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 1.5 यानी के 1.5 इंच नेक की चौड़ाई मिली। बैक के लिए भी 1.5 इंच, जितना फ्रंट में लिया होता ही हमने बैक में लेना है। लेंथ निकालने के लिए हमारी चेस्ट का 8, चेस्ट हमारी है 18, 18 इंच, नेक लेंथ, नेक की जो लेंथ है वो निकालने का हमारा फॉर्मेट है चेस्ट डिवाइड बाय 8। 18 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो हमारा 2.25 यानी 2.25 इंच निकल के आएगा। लेंथ हमें लेनी है यहाँ पे फ्रंट में 2.25 इंच और इसकी इस प्रकार से गोलाई कर देनी है। बैक की, बैक जबकि इसमें ओपन होगा तो बैक में आप कम भी रख सकते हो, इतनी भी ले सकते हो। तो लेंथ बैक की जो हम लेंगे वो 1.5 चौड़ाई ली और 1.5 ही हमने इसमें लंबाई ले ली है और इसको इस तरीके से मिला दोगे।
अब तीरा डाउन करना है। तीरा डाउन करने के लिए यहाँ पे हमें आधा इंच का निशान लगाना है, जहां गले की चौड़ाई है उसको इस प्रकार मिलाना है। ये लेंथ जो हमारी डाउन करने के बाद बचती है यहां से यहां तक आर्म होल की, उसका सेंटर करना है। सेंटर करके आधा इंच अंदर आना है, अंदर आके इसको इसके साथ सीधा मिला देना है। सीधा मिला के फिर इसकी गोलाई करनी है और चेस्ट लाइन से गोलाई करते हुए इसको मिला देना है। इसी प्रकार बैक का तीरा डाउन आधा इंच हमने फ्रंट का किया है, तो बैक का भी हम आधा इंच ही डाउन करेंगे। तीरा डाउन करने के बाद हम इसकी गोलाई के सेंटर पॉइंट को पकड़ते हुए इसकी चेस्ट लाइन से इस प्रकार हम इसकी गोलाई को मिला देंगे। इसके बाद हमारी जो ये वाली गोलाई होती है हिप की, उसकी गोलाई करेंगे। उसकी गोलाई करने के लिए जो हमने ये यहाँ इससे सीधा मिला रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है उसका सेंटर करेंगे इस लाइन का। ये जो लाइन है ये इस लाइन का हम सेंटर करेंगे। सेंटर करके ध्यान रखना है इसका सेंटर करेंगे दोनों का। ये गोलाई करने का एक आसान तरीका है, बिना सेंटर के भी हम गोलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो हम आपकी अच्छी गोलाई आएगी। इसका सेंटर करोगे, सेंटर करके फ्रंट में ध्यान रखना है, फ्रंट में एक इंच ऊपर आना है, बैक में आधा इंच ऊपर आना है। इस प्रकार ऊपर आके और इसकी आपने गोलाई करनी है, यहां से उठाना है। यहां से उठाते हुए और जो आप एक इंच ऊपर आए हो सेंटर पे उसको मिलाते हुए, इसको मिलाते हुए ये गोलाई करनी है। बैक में जो आपने सेंटर किया है आधा इंच अंदर आना है, आधा इंच अंदर आके और इसको इस प्रकार मिलाते हुए गोलाई करनी है। ये फ्रंट में ज्यादा करनी है, बैक में कम करनी है। ये हमारा इस प्रकार रोम्बर की ड्राफ्टिंग तैयार हुई। अब इसमें हमें मेंशन करना है कि हमने तीरा या आर्म होल चेस्ट किस प्रकार लिया है। सबसे पहले ये जो हमारी ये लेंथ है फुल लेंथ, फुल लेंथ हमने ली है यहां से यहां तक, फुल लेंथ 24 इंच, अक्रॉस बैक 12 और फ्रंट की लेंथ के लिए हमने लिया है चेस्ट का 8, चेस्ट डिवाइड बाय 8। ये यहां से यहां तक जो हमारी हिप लाइन है ये हमारी है हिप का, हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच, 8 इंच हमने यहां लिया और 8 इंच हमने यहां पे लिया। बैक में चेस्ट के लिए आपने यहां से यहां तक, आप अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर सकते हो, एक साथ मेंशन करना चाहो एक साथ कर सकते हो। चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1, चेस्ट में आई थी हमारी 5.5 इंच, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस
वन इंच इज इक्वल टू 5.5 यानी 5.5 इंच। वेस्ट में हमने जितनी हमारी चेस्ट है उसमें सिर्फ आधा इंच माइनस कर देना है, जो आएगी हमारी यहाँ पे वेस्ट 5 इंच। जितनी हमें चेस्ट मिली है, चेस्ट का डिवाइड बाय 4 प्लस 1 करके 5.5 मिला, उस 5.5 में से हमने आधा इंच माइनस किया तो हमारी वेस्ट लाइन मिली हमें 5 इंच। ये यहाँ पे हिप का डिवाइड बाय 12, हिप डिवाइड बाय 12 हमें मिला यहाँ पे 1.5 इंच। यहां से यहां तक ये 1.5 इंच टोटल हुआ ये हमारा। चलिए ये फ्रंट में गोलाई के लिए 1 इंच ऊपर आए, बैक में गोलाई के लिए 0.5 इंच ऊपर आया। ये हमारी रोम्पर की ड्राफ्टिंग बनके कंप्लीट हुई।